को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारे ज़िले सिवान में वोटिंग होगी। सभी बूथ हमारे यहाँ लगभग सैनिटाइज कर दिए गए हैं। जो थोड़े बचे हुए बूथ हैं वो कल दोपहर को 12 बजे तक सैनिटाइज कर दिए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर लगभग सारे बूथ पे बनाए जा चुके हैं 15 से 20 के मात्रा में, और जहाँ 6 या 6 से अधिक बूथ हैं किसी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे, तो वहाँ पे हमें पर्याप्त मात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर और विशेष व्यवस्था करना है, वो कल तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 3571 में से 320 ऐसे बूथ हैं जिन पे हमने व्हीलचेयर की व्यवस्था की हुई है। यदि कोई PWD वोटर वहाँ आते हैं तो उनको स्काउट एंड गाइड और हमारे अन्य वॉलंटियर्स के माध्यम से उनको वोटिंग करने में फैसिलिटेट हम लोग करेंगे। इसके अलावा 1087 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, और हमारे जो कुल लोकेशन है वो 1580 हैं, और हम लोगों ने पोस्ट डिप्लॉयमेंट हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे किया है। तो कम से कम 1-4 या 1-3 पैरामिलिट्री आपको हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे मिलेगी। इसके अलावा ऐसे पोलिंग स्टेशन लोकेशन जहाँ कम से कम 2 बूथ हैं वहाँ उसी प्रोपोर्शन में हम लोग ने होमगार्ड भी दिया है। जैसे किसी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे यदि 5 बूथ है तो हम लोगों ने 4 होमगार्ड दिया हुआ है। कुल PCCP हमारे यहाँ 954 है, और इनका डिस्पैच निर्धारित है कल दिनांक 2 नवंबर 2020 को 8 बजे गांधी मैदान में और DAV में इनकी ब्रीफिंग होगी। उसके बाद ये लोग अपना जो भी डेजिग्नेटेड EVM है वो लेके जाएंगे। ये लोग हमारे सेक्टर ऑफिसर्स जो थे उनको जोनल मजिस्ट्रेट डिक्लेयर कर दिया गया है। कुल 316 हैं, ये रिजर्व EVM भी रखेंगे अपने पास, जिससे कि पोलिंग के प्रोसेस में कोई अगर दिक्कत आती है तो उससे भी रिप्लेस हो सकता है। साथ ही साथ अगर कोई लोकल सूचना मिलती है, अशांति कोई यदि कोई व्यक्ति फैलाने की कोशिश करते हैं तो इनके पास अपने पास पर्याप्त बल भी होता है, तो इसके माध्यम से हम लोग टैकल भी करेंगे। कुल 41 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हम लोगों ने बनाए हैं, वो भी विधि व्यवस्था संधारण का और पोलिंग में कोई इशू ना हो, स्मूथली चलता रहे उसका काम भी करेंगे। इसके अलावा हम लोग हर थाने में लगभग एक क्विक रिएक्शन टीम बना रहे हैं। इसमें भी पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी, अगर कहीं कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो इसके माध्यम से हम लोग उनको टैकल करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी तरह का वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल 50 ऑल वीमेन बूथ हैं, उसकी तैयारी भी हम लोगों ने अपने स्तर से कर ली है। कुल 16 मॉडल बूथ हैं, हर विधानसभा में एक मॉडल बूथ हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। EVM हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, उसकी कमीशनिंग और सीलिंग भी हो चुकी है, और स्ट्रॉन्ग रूम जब सीलिंग हुई उस समय कैंडिडेट्स वगैरह वहाँ पे जो पोलिंग जो कैंडिडेट्स थे कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो या उनके एजेंट्स वहाँ थे, उन्होंने सेटिस्फैक्शन व्यक्त किया है, तो इसमें कहीं कोई इशू नहीं। हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में है। माइक्रो ऑब्जर्वर कुल 518 हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, उनका बूथ हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कहाँ कहाँ जाना है इन लोगों को। वेबकास्टिंग 437 बूथ पे होगी। ये वेबकास्टिंग एक अल्टरनेट मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम लोग जिला स्तर या मुख्यालय स्तर पे भी देखा जा सकता है कि पोलिंग किस तरीके से हो रही है पर्टिकुलर बूथ्स पे। जैसा कि बताया जा चुका है कि हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स दे रहे हैं, तो आपको 3 तारीख को वो डिप्लॉयड मिलेगा। इसके अलावा बूथ पे हम लोगों ने वो सारे इंतज़ाम किए हैं जो COVID-19 कार्यकाल में करना चाहिए। हर वोटर को एक हाथ का ग्लव्स दिया जाएगा, पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र रहेगा वहाँ पे। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट जो एक बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है, जो हैंड ग्लव्स हमारे कर्मी और पुलिस पदाधिकारी जितने भी लोग डिप्लॉयड है सबको दिया गया है, सबको डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। वो बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट होगा उसको हम लोग कलेक्ट करके नियरेस्ट PHC जो है वहाँ पे ले आके जमा करना है। उसके बाद वो हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारा जो सिविल सर्जन नोडल है इस चीज़ के वो उसको कैरी करवा के अपनी गाड़ियों से मुजफ्फरपुर ले जाएंगे डिस्पोजल के लिए। ये काम भी हम लोग 3 तारीख की रात को 12 बजे तक पूरी कोशिश करेंगे 316 गाड़ी अलग अलग गाड़ी सेक्टर वाइज लगा के उसको हटा लेने की। तो मैं आपके माध्यम से सिवान की 24 लाख जो जनता है उससे मैं यही अपील करूंगा कि सभी बूथ सैनिटाइज हो गए हैं और बिल्कुल कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप बने हुए हैं, तो कोरोना से बिल्कुल घबराना नहीं है, और आप लोग
बिल्कुल घर से बाहर निकलें, 18 से ऊपर जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं आप लोग घर से बाहर निकलें और बिल्कुल आप लोग आए वोटिंग करने। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भय कोरोना का या अदरवाइज आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपकी संवेदनशील बूथ सर हमारे 1087 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, तो ये संवेदनशील या अति संवेदनशील जो आप बोलते हैं ये हमारे टोटल 1087 लोकेशंस हैं। लोकेशन वाइज पहले इसमें प्रावधान हुआ करता था क्रिटिकल लोकेशंस जो हमारे होते हैं वो या तो पैरा मिलिट्री से कवर हो या वेबकास्टिंग हो या हमारे वीडियोग्राफी या इस तरीके से या माइक्रो ऑब्जर्वर से आच्छादित किए जाएँ, लेकिन क्योंकि इस बार सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर ही पैरा मिलिट्री लगी है तो माइक्रो ऑब्जर्वर को लगाना या वेबकास्टिंग करवाना वो एक एडिशनल फीचर है। टोटल सर कितने फोर्सेज बाहर से जो आए हैं वो कितने लगाए गए हैं? देखिए अधिकतर फोर्स बाहर का ही है पैरामिलिट्री, और हमारे जो इंटरनल फोर्सेज हैं जो हमारे जिला की पुलिस है वो जैसे थाना कवर SST FST इन सब में ही ज़्यादा लगी है, और चार इसमें देखिए और भी वो ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। बूथ पे सर, बूथ पे जो है वो टोटल फोर्स कितने हैं? बूथ पे जैसे पैरामिलिट्री लगा रहे हैं तो 1500 है कि 2000 है, कितना है वो? 1580 देखिए लोकेशन 1580 हैं, कुल बूथ हैं 3571। हर लोकेशन पे हमको पैरामिलिट्री देना है, इसके बाद भी अब जैसे एक लोकेशन पे चार बूथ हुआ तो एक बूथ तो पूरा मतलब एक लोकेशन का मतलब होता है एक परिसर, पूरे परिसर को वो लोग देखते हैं। इसमें ये भी है कि 6 या 6 से अधिक जो बूथ है हमारे उसमें 2 हाफ सेक्शन लगाया हुआ है, मतलब फुल सेक्शन लगा हुआ है, वो चीज़ डबल हो गई है। इसके अलावा जैसे और भी डिप्लॉयमेंट प्लान है, ये असल में कॉन्फिडेंशियल टाइप की चीज़ होती है तो हम लोग बताते नहीं हैं, मतलब हम अपने हिसाब से नहीं बता सकते इसको कि एग्जैक्टली कितने हम लगाए हुए हैं। जैसे आप किसी भी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर जाएंगे तो जहाँ ज़्यादा बूथ है वहाँ आपको पैरामिलिट्री की संख्या दुगनी मिलेगी और होमगार्ड आपको उसी रेशियो में मिलेंगे। अगर 6 बूथ आपको मिलता है एक लोकेशन पे तो आपको 5 होमगार्ड जरूर मिलेंगे, इसके अलावा आपको स्टेट पुलिस फोर्स के 4-5 जवान आपको मिलेंगे, मतलब ये भारी मात्रा में डेपुटेशन रहेगा। मॉडल सर बूथ कितने हैं? मॉडल बूथ हम लोगों के 16 हैं, 2 पर AC, और यहाँ पे वो कोविड गाइडलाइंस तो फॉलो होंगे, उसके अलावा भी पूरी व्यवस्था हम लोग अलग से रखेंगे, जैसे पूर्व पेपर में आना चाहिए, और हम लोग इसको बिल्कुल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और शुरू में भी हम लोगों ने कंट्रोल रूम का नंबर फ्लैश किया हुआ था, और आज भी हम लोगों को ढेर सारी कंप्लेंट्स जैसे ईपिक डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया आज के 4-5 दिन पहले तक आती थी जब तक वो 100% डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। इसी तरीके से मतदाता पर्ची का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ जैसे लगभग क्लोज हो गया है, तो शुरू में जब आता था तो हमारे पास उसकी कंप्लेंट्स भी कंट्रोल रूम के नंबर पर आती थी, तो हम और भी कुछ नंबर्स हैं वो हम लोग इधर हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो मेरा अनुरोध होगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो भी आम जनता में चला जाए। तो महिलाओं के लिए भी अलग से वो तो बनाया गया।